लेखन विधि के आधार पर, अभिलेख के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियर डिबेंचर। ठीक, सो अलग अलग से देखें, रजिस्टर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर कौन सा होता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर वे डिबेंचर होते हैं जिसके धारक का नाम, जिसके खरीदने वाले का नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है, और ऐसे डिबेंचर की मूल राशि तथा ब्याज की राशि का भुगतान उन्हीं डिबेंचर होल्डर को किया जाता है, उन्हीं ऋण पत्रधारी को किया जाता है जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में दर्ज है। करेक्ट, एक बार फिर से समझ ले, रजिस्टर्ड डिबेंचर वे डिबेंचर है जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में दर्ज होता है, और ऐसे डिबेंचर होल्डर को, ऐसे डिबेंचर होल्डर को ही डिबेंचर की मूल राशि, ओरिजिनल अमाउंट, लोन अमाउंट और ब्याज की राशि का भुगतान किया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। करेक्ट। दूसरा नंबर में है बियरर डिबेंचर, मींस वाहक या धारक ऋण पत्र। तो वाहक या धारक, आप बहुत सारे नोट्स आपके पास होंगे, नोट का मतलब होता है पैसे, पत्र मुद्रा जिसको हम लोग कहते हैं पेपर करेंसी, और पेपर करेंसी पर आप देखेंगे लिखा हुआ कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज डॉट 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 10 रुपीज 100 रुपीज, मीन्स मैं धारक या वाहक को 10 रुपये या 100 रुपये देने का वचन देता हूं। इसका मतलब वो नोट पर जो धारक या वाहक लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? नोट किसी का नहीं होता है, नोट पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब है कि नोट जो है वो बियरर है, मीन्स आज जो नोट हमारे पास है, आज जो पैसे हमारे पास है, यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं या किसी को भुगतान करते हैं और वही नोट, वही पैसे किसी दूसरे व्यक्ति को हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर वो उस नोट का मालिक हो जाता है, ऑनर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नोट बियरर है, जिसके पास नोट जाएगा, जिसके पास नोट जाएगा वही व्यक्ति उस नोट का मालिक होगा। तो सेम टू सेम बियरर डिबेंचर, वाहक या धारक ऋण पत्र वैसे ऋण पत्र होते हैं जिसको इजीली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके पास ऐसे डिबेंचर है, बियरर डिबेंचर है, वो इस डिबेंचर को बहुत ही आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति को डिलीवर कर सकता है, सुपुर्द कर सकता है, और ऐसे डिबेंचर को डिलीवर करने पर, ट्रांसफर करने पर किसी भी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है। करेक्ट। इसका मतलब है कि ऐसे डिबेंचर बड़े ही आसानी से किसी दूसरे को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और ऐसे डिबेंचर पर कंपनी ब्याज जो चुकाती है या फिर मूल राशि का जो भुगतान करती है वो उस व्यक्ति को करती है जिसके पास जो डिबेंचर का बियरर है, अर्थात जिसके पास उस समय में डिबेंचर रहता है। इसका मतलब है कि जिसके पास डिबेंचर होगा वही व्यक्ति डिबेंचर की मूल राशि का भुगतान पाएगा और वही व्यक्ति डिबेंचर के ब्याज का भी भुगतान पाएगा। मेरे ख्याल से आप ये दोनों समझ गए होंगे, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर दोनों कौन सा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बेसिस ऑन सिक्योरिटी या ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के आधार पर। सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर डिबेंचर और दूसरा अनसिक्योर डिबेंचर। अनसिक्योर को हम लोग नेक डिबेंचर भी कहते हैं, नंगा ऋण पत्र भी कहते हैं। सुरक्षित और असुरक्षित, आप अच्छी तरीके से समझते होंगे कि सुरक्षित क्या है। करेक्ट। यदि आप सिक्योर डिबेंचर को हम लोग मोर्टगेज डिबेंचर भी कहते हैं, सिक्योर डिबेंचर को हम लोग मोर्टगेज, MORTGAGE, मोर्टगेज डिबेंचर भी कहते हैं, यानी बंधक ऋण पत्र भी कहते हैं। और आधुनिक युग में कंपनी सिक्योर डिबेंचर ही इशू करती है, कंपनी के द्वारा सिक्योर डिबेंचर या मोर्टगेज डिबेंचर ही इशू किए जाते हैं, अनसिक्योर डिबेंचर नहीं के बराबर इशू किए जाते हैं। सुरक्षित ऋण पत्र क्या है? आपको पैसे की जरूरत है, मान लो कि एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे, आपको पैसे की जरूरत है, आप अपने मित्र से उधार या कर्ज लेने के लिए जाते हो 10,000 रुपया। आपके मित्र कहते हैं कि भाई 10,000 रुपया तो मैं उधार दे दूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आप जितने दिनों के लिए उधार ले रहे हैं उतने दिनों के बाद हमें ये 10,000 रुपया चुका ही दोगे? आप इस पैसे को लेकर के भाग भी सकते हो, नहीं भी हमें लौटा सकते हो। तो इसकी सुरक्षा के लिए जमानत के तौर पर, कॉलेट्रल सिक्योरिटीज के रूप में, आपको कुछ न कुछ अपनी संपत्तियां गिरवी के रूप में आपको रखनी पड़ेगी, मॉर्गेज के रूप में रखनी पड़ेगी। और यदि उस 10,000 रुपया को लेने के लिए यदि हम अपने सोने का चेन, सोने की अंगूठी या कोई अपनी संपत्ति, एसेट्स
हम गिरवी के रूप में या बंधक के रूप में हम अपने दोस्त के पास रख देते हैं और फिर उसके बाद हम वो ऋण अपने दोस्त से लेते हैं, तो ऐसे ऋण मोर्टगेज लोन कहलाएंगे, ऐसे ऋण सुरक्षित ऋण कहलाएंगे। यदि हम ऋण ना भी लौटाएं अपने दोस्त को, तो हमारा दोस्त, हमारा मित्र, जो संपत्ति उसने गिरवी के तौर पर रखी है, जमानत के रूप में मैंने जो संपत्ति उसके पास रखी है, वो उस संपत्ति को, वो उस एसेट्स को बेचकर अपने लोन की भरपाई कर सकता है। तो सेम टू सेम ये सिक्योर डिबेंचर, मीन सिक्योर डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं, ऐसे ऋण पत्र होते हैं जो कंपनी के द्वारा किसी न किसी संपत्ति से रक्षित होता है। कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारी संपत्तियां होती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और भी बहुत सारी संपत्तियां होती है। कंपनी इन संपत्तियों को सुरक्षित रख करके ऐसे डिबेंचर इशू करती है, अर्थात इस डिबेंचर पर लिख दिया जाता है सिक्योर डिबेंचर। और सिक्योर डिबेंचर लिखने का मतलब ये डिबेंचर कंपनी की किसी न किसी एसेट से सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। यहां पर लिख दिया जाता है सिक्योर फ्रॉम बिल्डिंग, इसका मतलब है कि यदि ये ऋण का रुपया नहीं लौटाया गया, कंपनी नहीं लौटाई, तो कंपनी अपने बिल्डिंग को बेचकर या कंपनी की जो बिल्डिंग बिकेगी, तो उसको बेचने से जो धनराशि प्राप्त होगी, उस धनराशि पर सबसे पहले इस डिबेंचर होल्डर का अधिकार है। यदि लिखा हुआ है सिक्योर फ्रॉम स्टॉक, सिक्योर फ्रॉम लैंड या सिक्योर फ्रॉम मशीनरी, इसका मतलब है कि कंपनी अपनी मशीन को बेचकर सबसे पहले ऐसे डिबेंचर होल्डर का कर्ज चुकता करेगी। तो सिक्योर डिबेंचर का मतलब सुरक्षित ऋण पत्र, और सुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो कंपनी के किसी एसेट्स से सुरक्षित होते हैं, रक्षित होते हैं। इस डिबेंचर का पेमेंट ना होने पर डिबेंचर होल्डर को राइट है कि कंपनी की जो भी संपत्तियां सिक्योर है इस ऋण से, वैसी संपत्तियों को बेचकर अपने ऋण की वापसी कर सकता है। नेक्स्ट है अनसिक्योर डिबेंचर या नेक्ड डिबेंचर। अनसिक्योर डिबेंचर ऐसे डिबेंचर है जिनके पीछे कंपनी की कोई संपत्ति सुरक्षित नहीं है। यदि कंपनी ऐसे डिबेंचर होल्डर को पेमेंट नहीं भी करता है, तो डिबेंचर होल्डर क्लेम नहीं कर सकता है, या फिर डिबेंचर होल्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कंपनी की संपत्ति को बेचकर अपने ऋण का चुकता, अपने ऋण को चुकता पाने का। करेक्ट। अब हम लोग आएंगे बेसिस ऑन कन्वर्टेबिलिटी या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन के आधार पर ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, कन्वर्टेबल और दूसरा एक नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिन्हें एक निर्धारित अवधि के बाद कंपनी के नए शेयर्स या फिर नए डिबेंचर में बदला जा सके। कन्वर्टेबल डिबेंचर परिवर्तनशील ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद, जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी के शेयर्स या कंपनी के नए डिबेंचर में बदला जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, ऐसे डिबेंचर को हम लोग कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। लेकिन कुछ डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें कंपनी के किसी शेयर्स में या फिर किसी नए डिबेंचर्स में बदलने का कोई विकल्प नहीं हो, ऐसे डिबेंचर होल्डर, ऐसे डिबेंचर को हम लोग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, शोधन के आधार पर या फिर भुगतान के आधार पर। भुगतान के आधार पर ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक रिडीमेबल डिबेंचर और दूसरा इरिडीमेबल डिबेंचर, शोधनीय ऋण पत्र और दूसरा अशोधनीय ऋण पत्र, जिसको हम लोग शुद्ध या फिर अशुद्ध भी कह सकते हैं। शुद्ध ऋण पत्र और अशुद्ध ऋण पत्र। शुद्ध ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर वे डिबेंचर होते हैं जिन्हें एक निर्धारित अवधि के बाद कंपनी के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है। रिडीमेबल डिबेंचर वे डिबेंचर होते हैं जिन्हें निर्धारित अवधि, अर्थात जिसके पेमेंट करने का टाइम निश्चित हो, कर्ज की वापसी का टाइम कंपनी द्वारा निश्चित कर दिया गया हो। अब जैसे इस तरह के डिबेंचर का रिडेम्पशन टाइम 4 ईयर है, 4 वर्ष है, तो इसका मतलब कि 4 वर्ष के बाद कंपनी ऐसे डिबेंचर उधार ली गई राशि का भुगतान डिबेंचर होल्डर को कर देगी। यदि तीसरे वर्ष के अंत में भुगतान होगा, तो 3 वर्ष के अंत में कंपनी ऐसे डिबेंचर होल्डर को ऋण की राशि का पेमेंट कर देगी। मीन्स
रेडीमेबल डिवेंचर वे डिवेंचर होते हैं जिनके भुगतान का समय निश्चित होता है, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, और कंपनी ऐसे डिवेंचर का पेमेंट उस निर्धारित अवधि पर कर देती है। लेकिन कुछ डिवेंचर्स ऐसे होते हैं जिनके भुगतान का समय कंपनी द्वारा निश्चित या निर्धारित नहीं की जाती है, तो ऐसे डिवेंचर का पेमेंट लिक्विडेशन के टाइम पर होता है। लिक्विडेशन का मतलब कंपनी के समापन पर, जब कंपनी लिक्विडेशन मोड में जाती है, जब कंपनी का समापन होता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के संपत्तियों को बेचकर डिवेंचर होल्डर का पेमेंट किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में कंपनी रिडीमेबल डिवेंचर ही इशू करती है, इरिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं करती है। रिडीमेबल डिवेंचर एक बात फिर समझ लेंगे, वे डिवेंचर है जिनके पेमेंट का टाइम, जिनके भुगतान का समय निर्धारित होता है, निश्चित होता है, और निर्धारित अवधि यानी कंपनी के जीवन काल में ही ऐसे डिवेंचर का पेमेंट कर दिया जाता है। लेकिन इरिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है, बल्कि कंपनी अपने जीवन की समाप्ति अर्थात समापन के समय में ऐसे डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करती है। लास्ट नंबर वाय, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, कूपन दर के आधार पर ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट डिवेंचर। स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर वे डिवेंचर होते हैं जिन्हें ब्याज दर के साथ निर्गमित करती है, अर्थात इन पर ऐसे डिवेंचर पर जो कंपनी इन फ्यूचर भविष्य में ब्याज देगी उसका रेट इस डिवेंचर के साथ लगा हुआ रहता है, जैसे 9% डिवेंचर। इसका मतलब है कि ऐसे डिवेंचर पर कंपनी 9% पर ईयर या पर ईयर की दर से कंपनी ब्याज देगी, जैसे 13% डिवेंचर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे डिवेंचर पर कंपनी 13% की दर से ब्याज देगी, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर। लेकिन कुछ डिवेंचर ऐसे होते हैं जिन्हें बिना ब्याज दर के, बिना कूपन रेट के कंपनी इशू करती है, इसको हम लोग जीरो कूपन रेट डिवेंचर भी कहते हैं। और जीरो कूपन रेट डिवेंचर को डिस्काउंट पर भुगतान किया, यानी इसका मतलब है कि इसको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और कंपनी सममूल्य पर भुगतान करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि 100 रुपया वाला डिवेंचर है, मान लो 100 रुपया वाला डिवेंचर है, तो कंपनी ऐसे डिवेंचर में कोई परसेंटेज वगैरह नहीं लगा हुआ है, और 100 रुपया वाला यदि डिवेंचर है तो कंपनी 90 रुपए की दर से ऐसे डिवेंचर को इश्यू करेगी। तो यहां पर कोई रेट नहीं है, और ऐसे डिवेंचर को कंपनी 90 रुपए की दर से कंपनी ने इश्यू की, तो बाद में ऐसे डिवेंचर का भुगतान पुनः फिर 100 रुपए की दर से करेगी, और यही जो 10 रुपया ये जो डिस्काउंट है, यही डिस्काउंट को कंपनी इंटरेस्ट मान लेती है। ऐसे डिस्काउंट को कंपनी क्या मान लेती है? इंटरेस्ट मान लेती है। इसका मतलब है कि जीरो कूपन रेट में कंपनी ब्याज दर नहीं लगाती है, लेकिन स्पेसिफिक कूपन रेट में कंपनी ब्याज दर लगाती है। क्लियर है? साफ कर दीजिए। अब आ जाए ऑब्जेक्टिव्स। ऋण पत्रों के निर्गमन का उद्देश्य, कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन क्यों करती है, कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन क्यों करती है? चलो पहला टॉपिक है
किसी नए प्रोजेक्ट परियोजना जिसको हम लोग कहते हैं, स्टार्ट करने के लिए नंबर टू फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए नंबर थ्री लॉन्ग टर्म मींस दीर्घकालीन कर्ज प्राप्त करने के लिए नंबर फोर एकीकरण जिसको हम लोग कहते हैं अमलगमीशन या फिर सम्मेलन के लिए। जब कंपनी का एकीकरण होता है मींस जब दो या दो से अधिक कंपनियां एक जैसे काम करने वाली एक जैसे व्यवसाय वाली दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिलती है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को परचेज करती है क्रय करती है, तो ऐसी स्थिति में शेयर होल्डर को शेयर्स के साथ साथ डिवेंचर भी इशू करने पड़ते हैं। तो किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है। कंपनी को बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स की आवश्यकता होती है, जैसे लैंड प्रॉपर्टी हो गया, बिल्डिंग बनाना हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, तो ये सारे फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए लंबे समय के लिए कर्ज की आवश्यकता होती है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स से जो रिटर्निंग होती है वो लंबे समय के बाद होती है, तो लंबे समय के लिए पैसे की जरूरत होती है और कंपनी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए भी डिवेंचर इशू कर सकती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन कर्ज प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत सारे कंपनी के प्रोजेक्ट होते हैं, कंपनी की परियोजनाएं होती है जिसमें लंबे समय के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो कंपनी लंबे समय के पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है, ऋण पत्र प्राप्त करती है। एकीकरण या फिर सम्मेलन के लिए मीन्स जब मैंने भी तुरंत बताया कि जब दो कंपनियां आपस में मिलती है या फिर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीदती है, तो जो खरीदने वाली कंपनी है ऐसी कंपनी जो डूब रही है, ऐसी कंपनी जो लिक्विडेशन समाप्त हो रही है, कंपनी वैसे कंपनी को यदि परचेज करती है तो वैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए शेयर्स या डिवेंचर इशू कर सकती है। और लास्ट है वर्किंग कैपिटल मींस कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने के लिए वर्किंग कैपिटल मींस कार्यशील पूंजी, कंपनी के पास जो कार्यशील पूंजी बची हुई है जिससे कंपनी कार ऑर्डर करती है, जिससे कंपनी रॉ मटेरियल परचेस करती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेमेंट करती है, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करती है, सैलरी का भुगतान करती है, दैनिक व्यय का भुगतान करती है, तो इस तरह के कैपिटल को बढ़ाने के लिए कंपनी शेयर्स के अलावे डिबेंचर भी इशू कर सकती है, करेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। मीन्स अंशों तथा ऋण पत्रों में अंतर, मैंने शुरू में ही बताया था कि कंपनी दो तरह के डॉक्यूमेंट्स इशू करती है, एक शेयर और दूसरा डिबेंचर।
तो कंपनी शेयर और डिवेंचर जो इश्यू करती है आखिर इस दोनों डॉक्यूमेंट में क्या अंतर है? नंबर वन, एंड नंबर टू डिवेंचर्स। नंबर फर्स्ट, शेयर्स के माध्यम से कंपनी कैपिटल प्राप्त करती है, पूंजी प्राप्त करती है। जबकि डिवेंचर्स के माध्यम से कंपनी ऋण प्राप्त करती है। नंबर टू में हम लोग देखिए, शेयर खरीदने वाले को शेयर होल्डर कहते हैं और डिवेंचर खरीदने वाले को डिवेंचर होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है, शेयर्स पर कंपनी द्वारा डिविडेंड मींस लाभांश दिया जाता है, करेक्ट। जबकि डिवेंचर्स पर कंपनी निश्चित या निर्धारित दर से ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। नंबर फोर, शेयर्स पर डिविडेंड सिर्फ लाभ यानी प्रॉफिट होने की स्थिति में ही दिया जाता है, जबकि डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट कंपनी लॉस होने की स्थिति में भी देती है। नेक्स्ट है, डिविडेंड कॉमा इंटरेस्ट देने के बाद ही दिया जाता है, जबकि सबसे पहले कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है। पहले कंपनी इंटरेस्ट देती है, फिर इंटरेस्ट देने के बाद यदि प्रॉफिट होता है तो ऐसे प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। पांच पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर ले, शेयर्स के माध्यम से कंपनी कैपिटल प्राप्त करती है, पूंजी प्राप्त करती है, जबकि डिवेंचर के माध्यम से कंपनी ऋण प्राप्त करती है, करेक्ट। नेक्स्ट है, शेयर्स खरीदने वाले को शेयर होल्डर कहते हैं, जबकि डिवेंचर्स खरीदने वाले को डिवेंचर होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है, शेयर पर कंपनी द्वारा डिविडेंड मींस लाभांश दिया जाता है, जबकि कंपनी डिवेंचर पर जो ब्याज देती है वो निश्चित दर से ब्याज देती है।
यानी शेयर्स पर कंपनी द्वारा डिविडेंड दिया जाता है, जबकि डिवेंचर पर कंपनी द्वारा इसको हम लोग लिख देते हैं कंपनी द्वारा ब्याज दिया जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट है शेयर्स पर डिविडेंड सिर्फ लाभ होने की स्थिति में कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी कंपनी डिविडेंड घोषित करेगी, लाभांश घोषित करेगी। लॉस होने की स्थिति में कंपनी लाभांश घोषित नहीं करती है, अंशधारियों को लाभांश नहीं देती है, लेकिन डिवेंचर पर ये रूल अप्लाई नहीं करता है। कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर हाल में हर सिचुएशन में कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है। नेक्स्ट है डिविडेंड बाद में दिया जाता है, पहले कंपनी डिवेंचर होल्डर पर इंटरेस्ट देती है। यदि प्रायोरिटी के क्रम में देखा जाए, प्राथमिकता के क्रम में देखा जाए, तो कंपनी सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है, और इंटरेस्ट देने के बाद यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी ऐसे प्रॉफिट में से इंटरेस्ट के बाद कंपनी डिविडेंड की घोषणा करती है, लाभांश की घोषणा करती है। ठीक। एक डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि लाभांश की जो दर होती है उसमें उतार चढ़ाव होती है, मीन्स लाभांश किसी वर्ष अधिक भी हो सकता है, लाभांश किसी वर्ष कम भी हो सकता है। इसका मतलब है कि लाभांश का दर निश्चित नहीं होता है। चलो इसको हम लोग 6 नंबर में कर लें। डिविडेंड रेट जो होता है, लाभांश दर निश्चित नहीं होती है, इन अंशों पर मिलने वाला जो लाभांश है वो लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, अर्थात कंपनी किसी वर्ष अधिक लाभांश की घोषणा कर सकती है, किसी वर्ष कम लाभांश की घोषणा कर सकती है। कंपनी को यदि अधिक प्रॉफिट होती है तो कंपनी अधिक लाभांश की घोषणा करेगी, कंपनी को यदि कम प्रॉफिट होता है तो कंपनी लाभांश की दर कम भी घोषित कर सकती है। लेकिन 6 नंबर में ब्याज की दर निश्चित होती है, इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी को अधिक लाभ हो चाहे कम लाभ हो, ब्याज की दर कांस्टेंट होती है। जिस रेट के साथ डिवेंचर को इश्यू किया गया है उसी रेट से डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, ब्याज की दर में उतार चढ़ाव नहीं होता है। कंपनी को चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे अधिक लाभ हो चाहे कम प्रॉफिट हो। करेक्ट। नेक्स्ट है लाभांश कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में घोषित की जाती है, इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी सबसे पहले प्रपोज्ड करती है। जब कंपनी की वार्षिक सभा होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो कंपनी प्रपोजल करती है लाभांश देने के लिए। कंपनी के डायरेक्टर प्रपोजल रखते हैं, और ऐसे एनुअल जनरल मीटिंग में जब वो प्रपोजल पास हो जाता है सर्वसम्मति से, तो वो फाइनल डिविडेंड के रूप में, अंतिम लाभांश के रूप में शेयर होल्डर को दे दी जाती है, शेयर होल्डर को भुगतान कर दी जाती है। तो कंपनी वर्ष में एक ही बार लाभांश देती है, लेकिन कभी कभी कंपनी को जब अधिक लाभ हो जाती है तो कंपनी बीच बीच में इंटर्न डिविडेंड, जिसको हम लोग कहते हैं अंतरिम लाभांश, तो कंपनी अंतरिम लाभांश की भी घोषणा कर सकती है, लेकिन इंटर्न डिविडेंड कंपनी वापस भी ले सकती है। इंटर्न डिविडेंड की घोषणा करके कंपनी इस घोषणा को वापस भी ले सकती है, लेकिन एक बार जब प्रपोज डिविडेंड फाइनल डिविडेंड के रूप में घोषित हो जाती है तो प्रपोज डिविडेंड या तो फिर फाइनल डिविडेंड कंपनी वापस नहीं ले सकती है, हर हाल में शेयर होल्डर को भुगतान करना ही पड़ेगा। तो लाभांश कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में घोषित की जाती है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी डिवेंचर होल्डर को हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी दे सकती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो एनुअल इंटरेस्ट मीन्स वार्षिक, वर्ष में एक ही बार ब्याज चुकाती है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो वर्ष में दो बार ब्याज चुकाती है, हाफ ईयरली हर 6 महीने पर।
तो ब्याज का भुगतान वर्ष में दो बार भी हो सकता है, लेकिन लाभांश का भुगतान वर्ष में दो बार नहीं बल्कि वर्ष में एक ही बार होता है। ठीक, नेक्स्ट सर्विस चार्ज नंबर है। चलो अब हम लोग एट नंबर पर चलेंगे। शेयर्स की कीमत अधिक होती है क्योंकि इस पर लाभांश दिया जाता है। और लाभांश का दर तो निश्चित नहीं होता है, कभी लाभांश अधिक भी दिया जाता है तो कभी लाभांश कम भी दिया जाता है। तो शेयर्स की कीमत अधिक होती है क्योंकि इस पर कंपनी डिविडेंड घोषित करती है, लाभांश देती है, और लाभांश के कारण इसकी कीमत अधिक होती है। और शेयर्स की कीमत में बहुत अधिक उतार चढ़ाव भी होता है, अर्थात इसके मूल्यों में परिवर्तन भी तेजी से होता है, जबकि डिवेंचर्स की कीमत कम होती है। और इसकी वजह यह है, इस पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। निश्चित दर से ब्याज, इस पर ब्याज की दर निश्चित होने के कारण इसका रेट शेयर्स की अपेक्षा कुछ कम होती है। लेकिन यदि हम रिस्क की बात करें, जोखिम की बात करें, तो शेयर खरीदने वाले जो भी इन्वेस्टर्स हैं, विनियोग करता है, वो काफी रिस्क उठाते हैं, जोखिम उठाते हैं। इसका मतलब है क्योंकि शेयर्स का रेट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है और शेयर्स खरीदना एक जोखिम भरा खेल है। चूंकि इसलिए कि यदि कोई जनता, यदि कोई पब्लिक या फिर कोई कंपनी या कोई संस्था यदि शेयर्स खरीदती है तो वह रिस्क है, क्योंकि इसलिए कि किसी वर्ष आपको लाभ मिल भी सकता है, किसी वर्ष आपको लाभ नहीं भी मिल सकता है, किसी वर्ष ज्यादा लाभ मिल सकता है तो किसी वर्ष आपको लाभ में कमी भी हो सकती है। तो शेयर्स खरीदने में रिस्क अधिक होती है जबकि डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करना डिवेंचर्स में इन्वेस्ट शेयर की अपेक्षा, चूंकि यहां पर ब्याज दर में उतार चढ़ाव की कोई बात नहीं होती है, कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर हाल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर दिया गया है, जो ब्याज की दर निर्धारित की कर दी गई है, उसी निर्धारित दर से डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ कोई रिस्क वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंपनी को यदि प्रॉफिट नहीं होती है किसी वर्ष, तो शेयर होल्डर को लाभांश नहीं भी मिल सकता है। तो डिवेंचर की अपेक्षा शेयर्स खरीदना रिस्क अधिक होता है और डिवेंचर में पैसा लगाना रिस्क कम होता है। नेक्स्ट है शेयर्स का पेमेंट कंपनी के समापन पर होता है। यहां पर मैं सर्टेन बात नहीं लिख रही हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं कि होता है, हो सकता है। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी का समापन होता है, तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार किया जाता है। और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ये देखा जाता है कि कंपनी अपने सारे संपत्तियों को बेचकर अपने बाह्य दायित्व का सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करती है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में सबसे पहले कंपनी लिक्विडेटर का रेमुनरेशन पेमेंट करेगी, इसके बाद कंपनी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करती है, फिर उसके बाद कंपनी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भुगतान करती है, पूर्वाधिकार लेनदार का
फिर उसके बाद कंपनी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करती है, फिर उसके बाद कंपनी प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंशधारी को पेमेंट करती है, और पूर्वाधिकार अंशधारी को पेमेंट करने के बाद यदि पैसे बच जाए तभी इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट होगा, अदरवाइज यदि कंपनी के पास पैसे ना बचे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद यदि पैसे ना बचे तो शेयर होल्डर का पेमेंट नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि पेमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिबेंचर होल्डर का पेमेंट शेयर होल्डर से निर्धारित अवधि में ही कर दिया जाता है। करेक्ट। यदि पैसा लौटाने की बात हो, क्योंकि कंपनी शेयर के माध्यम से भी शेयर होल्डर से पैसे प्राप्त करती, पूंजी प्राप्त करती है, और कंपनी या पूंजी की वापसी लास्ट टाइम में करती है, समापन होने पर करती है, और वो भी बचेगा तब। लेकिन डिबेंचर होल्डर से जो कंपनी ऋण प्राप्त करती है, वैसे ऋण का भुगतान कंपनी निर्धारित अवधि में ही कर देती है। तो यहां पर पेमेंट वाली बात ऐसा नहीं कि समापन होने पर ही डिबेंचर होल्डर का पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 11वां नंबर में देखेंगे। शेयर होल्डर को वोटिंग करने का अधिकार है। कंपनी का कंपनी जब वर्ष के अंत में एनुअल जनरल मीटिंग करती है, वार्षिक साधारण सभा बुलाती है, तो ऐसे सभा में ऐसे मीटिंग में शेयर होल्डर को वोटिंग करने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। लेकिन डिबेंचर होल्डर को वोटिंग करने का अधिकार नहीं। डिबेंचर होल्डर कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग नहीं कर सकता है, उपस्थित हो सकता है लेकिन उन्हें सुनने का अधिकार है, बस वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है 12वां नंबर में, शेयर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट के प्रबंध तथा संचालन में भाग लेने का अधिकार है। इसका मतलब जो कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं शेयर होल्डर, वो कंपनी के ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, भाग लेने का अधिकार है प्रबंध संचालन में, लेकिन डिबेंचर होल्डर को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट है, शेयर होल्डर कंपनी के मेंबर तथा ऑनर, शेयर होल्डर शेयर खरीदने वाले पर्सन को हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर कंपनी के
मेंबर भी होते हैं, सदस्य भी होते हैं और कंपनी के ऑनर भी होते हैं, कंपनी के स्वामी भी होते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, लेनदार की तरह होते हैं। लेनदार जिसको हम लोग महाजन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे उसमें टाइप्स ऑफ इशू ऑफ से इशू ऑफ डिवेंचर मीन्स हम लोग डिवेंचर को किस प्रकार से इशू करते हैं और इसके न्यूमेरिकल पर हम लोग विचार करेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए वीडियो आते रहेंगे और आप लोग नए नए वीडियो को देखकर घर बैठे ही इशू ऑफ शेयर इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर को सॉल्व करेंगे। गुड बाय।